मिनट का समय अवश्य निकालें। बड़वानी जिला मुख्यालय के चांसा मोहल्ले में मकान विवाद को लेकर छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतारा। इस खूनी खेल में काका ससुर की बहू सरबना भी घायल हो गई। शहर के चांसा मोहल्ले का मामला है, जहां मकान विवाद के चलते बीते रात छोटे भाई ने अपनी पत्नी से मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। विवाद में बीच बचाव करने आई काका ससुर की बहू भी घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मृतक का छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों फरार हो गए। मृतक की पत्नी गोमती बाई ने बताया कि मकान की दीवार को लेकर भाई भाई में बीते एक सप्ताह से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि जेवर राजाराम पिता लाल सिंह 42 वर्ष ने अपने बड़े भाई सीताराम पिता लाल सिंह 45 वर्ष पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई की मौत के बाद हत्यारा भाई राजाराम और उसकी पत्नी साधदी बाई उर्फ वेस्ती बाई फरार हो गई। गोमती बाई ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की है। उनका परिवार कई समय से गुजरात मजदूरी करने जाता है, लगभग 1 महीने पहले ही यहाँ लौटे हैं और बारिश को देखते अपने कच्चे मकान को पक्का करने की तैयारी कर रहे थे। मकान की दीवारें बन चुकी है, छत के लिए पत्र डालने पर उसके पति और देवर में विवाद हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। वो दीवार पतरा सर का आया थोड़ा, तो मेरा देवर आया तो दीवार तोड़ दिया। तो इसका भाई बोला दीवार क्यों तोड़ रहा है, तो बोले नहीं अब हमको बंधवाना नहीं, हमको बंधा को देने का नहीं, तो फिर मेरा आदमी को ईट मारा तो मार ही डाला। सीताराम भैया का नाम क्या, बड़े भैया का? वो छोटा भैया मारा बड़े वाले को। और क्या इसे मारा? वो उसकी पत्नी बोलती है, फिर बोले कि नहीं हमारे जगह में दीवार नहीं बांधने का, तुम्हारा बांधो, और वापस बोले नहीं बांधने का करको। उसकी पत्नी भी मार दिया, ऊपर छत पर चेड़ को मारा। विवाद कब से चल रहा है? ये कल रात्रि की बात है, करीब 9 बजे करीब। सीताराम भील और राजाराम भील ये दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। और कल रात्रि में सीताराम भील जो अपना नया मकान बना रहे हैं उसी घर, मतलब कमरा बन रहा है उससे लगा हुआ, जो राजाराम भील का मकान है उस मकान की जो लोहे की चादर होगी, चादर उसने सीताराम ने उसको निकाला होगा, उस पर से राजाराम ने आपत्ति ली कि ये चादर तुमने निकाल दी, इससे मेरे घर में पानी जाएगा। और इसी बात से दोनों भाई में विवाद हो गया। विवाद के दौरान जो है राजाराम ने वहाँ पर ईंट रखी थी, तो ईंट उठा के मारी जो उसको सीताराम के सिर में लगी है चोट। और पड़ोसी जो सरबना भील महिला जो बचाने के लिए जब आई थी तो उसको भी जो है चोट लगी है, और उसी ईंट से जो चोट लगी है संभवतः उसी से उसकी मृत्यु हुई। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया और उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया, टीम भेज दी गई है। तो मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला पंजीबद्ध।